के थाना रसूलपुर के प्रेम नगर में अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर एक छात्रा को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और तफ्तीश में जुट गई है। वहीं मामला छेड़छाड़ का बताया जा रहा है। को देर रात फिरोजाबाद में उस समय सनसनी फैल गई जब एक छात्रा की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला थाना रसूलपुर के प्रेम नगर का है, जहां कुछ हथियारबंदों द्वारा बदमाशों ने घर में घुसकर 16 वर्षीय इशु नामक कलावती स्कूल की छात्रा को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना के पीछे का कारण छात्रा से हुई छेड़छाड़ के विरोध करने का बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और सबको पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया है। अजय जी, ये जो घटना हुई है, क्या मामला है आखिर? कौन ये मेरी बेटी है जी, करीब 16 साल की मेरी बेटी है। कुछ लोगों ने आकर आज मेरे घर में आकर भविष्य में थे, उन्होंने आकर दीवारों में लात मारी, गोली फूली चलाई, उसके बाद गोली मार कर घर से भागते हुए तीन लोग यहाँ, चार लोग यहाँ से निकल गए। गोली किसकी लगी है? गोली मेरी बेटी की लगी है, यही पड़ी मेरी बेटी। कहाँ 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 लगी है? वो सर में पड़ी। कहाँ लगी है? कहाँ लगी है? सर में लगी, सर में। इधर देखो, कौन लोग थे वो? एक मनीष यादव, एक सोबाली यादव, एक गौरव चक। ऐसा क्या कारण है कि गोली मारी? ऐसा कारण ये है, मेरी पढ़ती लड़की मेरे 12th में पढ़ती है, कलावती कॉलेज में पढ़ती है, रास्ते में आ रही थी। वो इन्हें अपशब्द बोला, उसके बाद उसने उसको जवाब दिया ताबड़तोड़। उसके बाद घर आने के बाद उन लोगों ने आके अब इनकी गोली मारी थी। आप लोग कहाँ थे? सब लोग हम लोग छत पे थे सर। कोई नहीं था घर में? घर में कोई नहीं था। लगभग कब की घटना है? कब की घटना है? 12 बजे घटना है रात की। पुलिस को सूचना दी थी? पुलिस को सूचना दी, पुलिस हमारे पास तुरंत आ गई। ये गोली मारने की सूचना आई थी यहाँ पर रसूलपुर क्षेत्र में, किस तरह का मामला है, क्या मामला है? ये रसूलपुर थाना क्षेत्र का है, प्रेम नगर ये मोहल्ला लगता है। यहाँ पे एक लड़की है जिसकी उम्र करीब 16 वर्ष है, यीशु नाम है उसका, यीशु चक। उसकी हत्या की सूचना प्राप्त हुई है, मौके पे हम सभी लोग यहाँ पे आए हैं। और इसमें जो लड़की है, जो मृतका है, उसके फादर का कहना है कि तीन लोग हैं, जिसका उन्होंने नाम भी बताया है, तीन लोगों ने घर के अंदर घुस करके उसकी हत्या कर दी है। और सभी प्रकरणों में और सभी तथ्यों की हम लोग जाँच कर रहे हैं, तहरीर अभी लिख रहे हैं, तहरीर के आधार मुकदमा कायम करेंगे। और इसमें तीन टीमें बनाई गई है, जो कि जो इसमें अभियुक्त ये बता रहे हैं उनकी तलाशी के लिए उनकी गिरफ्तारी की।